गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मैथ्स में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे से क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड एंड चेक द आंसर्स। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में डिवाइड करना है और चेक भी करना है आंसर्स को, ठीक है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन में ही टू क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, और देन उसके बाद क्या करना है, हमें आंसर को चेक भी करना है कि सही आ रहा हमारा आंसर कि गलत आ रहा है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर ए वाला, 6,72,981 इज डिवाइडेड 39। अब हमें क्या करना है, 39 से इस नंबर को डिवाइड करना है, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम आंसर्स को भी क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। देखिए आप इसका सोल्यूशन, देखिए क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए आप, 6,72,981 इज डिवाइडेड 39। अब हमें क्या करना है, 39 से इस नंबर को डिवाइड करना है। देखिए हम डिवाइड करते हैं, 39 हमने लिखा 672981। अब देखिए हम डिवाइड करते हैं इसको, उसके लिए हमें क्या, 39 की टेबल हमें साइड में लिख लेनी है, तो आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, रफली साइड में लिख सकते हैं 39 की, जिससे आपको इसी तरीके से समझ में आए। अब देखिए आप 39 की टेबल में हमें देखना है 67 आते हैं कि नहीं आते हैं। अब टू डिजिट लिया हमने इसका, 67 आते कि नहीं आते हमें देखना है, जिसमें क्या 67 नहीं आ रहा है, बट उससे फिर हम क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, तो क्या लेंगे, छोटा नंबर 39। तो 39 की टेबल में कितने टाइम आता है, वन टाइम, तो ये हमने वन टाइम लिखा है यहाँ पे। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, हमें इसमें माइनस करना है, तो यहाँ पर 7 है, देन हम क्या करेंगे, 1 पास वाले से बैलेंस लेंगे, तो कितना जाएगा, 17 में से 9 गए तो 8 बचा, और यहाँ पे 5 हुए, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे 2 एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 282 हुआ, 2 हमने ऊपर से ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि 39 और ये 28 तो छोटा है, इसलिए हमने 2 ऊपर से लिया। अब देखिए 39 के टेबल में 282 आते कि नहीं आते, अब देखेंगे हम तो क्या, 282 तो नहीं आते, बट उससे फिर हम छोटा नंबर लेंगे, तो क्या लेंगे, हम 273 लेंगे, ठीक है। 273 कितना टाइम आ रहा है, 7 टाइम आ रहा, तो 7 हमने यहाँ लिखा और 273। अब इसको क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है, और ये क्रॉस क्रॉस। अब यहाँ पे 9 है, तो हम क्या लेंगे, ऊपर से 1 डिजिट और लेंगे, तो ये 99। अब देखेंगे 39 के टेबल में 99 आते हैं तो नहीं आते, तो क्या लेंगे हम, 78 लिया उससे छोटा, कितने टाइम, 2 टाइम। अब देखिए इसको माइनस करते हैं, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में 7 गए तो 2 बचे, ठीक है। 8 हमने फिर ऊपर से लिया, अब देखिए 218। अब देखना है हमें कि 39 के टेबल में 218 आता है कि नहीं आता है, 218 नहीं आ रहा, देन क्या करेंगे हम, 195 लेंगे, उससे छोटा, कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम, तो हमने 5 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो 23 माइनस हुआ, यहाँ पर हमने लिख दिया 23 हमारे बचे, तो अब ऊपर क्या बचा है, 1, तो हमने 1 लिया। अब देखिए 39 के टेबल में ये नंबर नहीं आ रहा, बट उससे क्या लिया हमने, छोटा नंबर लिया 195, कितने टाइम, 5 टाइम, तो ये 5 हमने यहाँ लिखा 195। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे 11 हुआ, 11 में से 5 गए तो 6 बचा। अब यहाँ पे 1 इसको बैलेंस दिया था, 2 हुआ, अब इससे लेंगे तो 12 में से 9 गए तो 3 बचे, और ये 1 में से 1 गया तो क्रॉस हुआ, ठीक है। तो इसका जो कॉटेंट है, जो आंसर आया हमारा, कितना आया, 17,255, तो हमने लिख दिया, और रिमाइंडर क्या होता है, बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ पार्ट कितना है, लास्ट में 36, तो ये 36 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में एडिशनल और क्या बोला है, चेक द आंसर, मतलब जो आंसर है उसको भी हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। देखिए अब चेक करने, आंसर चेक करने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, डिवाइडेंड इक्वल टू कॉटेंट मल्टीप्लाई डिविजर ब्रैकेट क्लोज प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, चेक करने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉटेंट, कॉटेंट क्या आंसर ये दे रखा है, 17255 मल्टीप्लाई डिविजर, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, तो 39 से किया तो 39 लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस रिमाइंडर, जो हमारा बचा हुआ पार्ट कितना है, 36, तो हमने 36 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन किया, तो इस दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पे, तो कितना आया देख लेना, ये आप मल्टीप्लीकेशन तो मैं कर चुकी हूँ, कितना आया हमारा आंसर, 672945 आया, ठीक है। तो देखिए 672945, अब प्लस करना है किसको, रिमाइंडर को, यानी कि 36 को, तो इन दोनों को प्लस किया हमने, तो कितना आया, 672981, जो हमारा डिवाइडेंड था, मतलब ये जो डिवाइडेंड था वो कितना आया है, 672981, ठीक है। अब देखिए हमारा जो आंसर है, 672981 लाना था, तो हमारा इधर लेफ्ट राइट साइड आ गया, ठीक है, मतलब दोनों आंसर इक्वल है, मतलब हमारा आंसर क्या था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर आपका ए नंबर का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बी नंबर का, 17,34,108 इज डिवाइडेड बाय 48, मतलब हमें 48 से इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए आप 48 को हम डिवाइड करते हैं। अब हमें 48 और यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे तो 17 ही हो रहा है, देन हम क्या करेंगे 3 डिजिट नंबर लेंगे तो 173। अब देखो 173 इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है, नहीं आ रहा है वो नंबर, बट उससे छोटा नंबर लेंगे हम 144, कितने टाइम 3 टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इससे माइनस किया तो कितना बचा 29 और यहाँ पे क्रॉस, अब 29 है, अब देन हम क्या करेंगे 1 डिजिट और ऊपर से लेंगे तो ये 294 हुआ। अब हमें चेक करना है 48 के टेबल में 294 आता है तो ये नहीं आ रहा नंबर, देन उससे छोटा नंबर लिया हमने 288, कितने टाइम 6 टाइम, तो हमने 6 लिखा और ये नंबर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा है 6 और ये डबल मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस हुआ। अब देखिए ऊपर से हमने क्या लिया 1 लिया, अब 61 नहीं आ रहे, देन हमने उससे छोटा नंबर लिया 48, कितने टाइम 2 टाइम, ये फिर इससे माइनस किया तो यहाँ 13 बचे, फिर यहाँ से ऊपर से 0 लिया, फिर 96 आया उससे छोटा नंबर, कितने टाइम 2 टाइम, फिर इसको हमने माइनस किया तो 34 यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 34 ऊपर से क्या लेंगे लास्ट डिजिट बची एक 8, तो ये हमने 8 ले लिया। अब 348 नहीं आ रहा उससे छोटा नंबर ले लिया 336, कितने टाइम 7 टाइम, तो ये यहाँ पे कितना बचा 12 बचा। अब 12 क्यों बचा, इसमें जिसको माइनस किया तो हमने 12 बचा, अब 12 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 48 के टेबल में 12 तो बहुत ही छोटा है और हमने यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं है तो हम मोल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 हमारा रिमाइंडर है। तो देखिए कॉटेंट कितना हुआ, जो हमारा आंसर आता है वो हमारा कॉटेंट है मतलब 36127, और रिमाइंडर जो बचा हुआ पार्ट है हमारा वो क्या होता है रिमाइंडर होता है, तो 12 हुआ। ठीक है, यहाँ तक डिवाइड तो कंप्लीट है, अब हमें क्वेश्चन में एडिशनल मतलब और क्या बोला है आंसर्स को भी क्या करना है चेक करना है, तो चेक द आंसर, आंसर को क्या करेंगे हम चेक करेंगे। देखिए उसका फॉर्मूला डिवाइड एंड इक्वल टू कॉटेंट मल्टीप्लाई डिविजर प्लस रिमाइंडर, आप ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, देन आप क्या करोगे इस फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट लिखोगे। देखो अब डिवाइडेंड तो हमारा दे रखा है ये 173,410 तो ये हमने लिख दिया, कॉटेंट हमने निकाला है, मल्टीप्लाई डिविजर जिसे हम डिवाइड किया हमने, प्लस रिमाइंडर जो बचा हुआ पार्ट है हमारा वो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया है तो कितना आया 173,409,6 आया है। ठीक है, फिर क्या करना है हमें 12 को और ऐड करना है, तो 12 को ऐड किया तो दोनों आंसर क्या हुए सेम हुआ। ठीक है, देन हमारा आंसर क्या है करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट हुआ। देखिए आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन हम करेंगे कंटिन्यू।